आगे लोकेशन यहाँ पे वो जो गेम गाना है उसकी शूटिंग सारी यहीं पे है। ये है जी एंट्री, ये एंट्री हो चुकी है। ये वाला ट्रैक्टर है भाई। गुरु जी की फतेह। ये एग्जैक्ट जगह है, मार कर रखी है, जहाँ पे थार लास्ट टाइम हुई थी फायरिंग, थार पे ये वाली जगह। ये देखो जी, ये यहाँ पे है गोलियां लगी है। देखो एक दो टर्न नहीं आगे हुआ। मंदिर भी है बिल्कुल नाल, उस जगह जा रहे हैं जैसे एक्सीडेंट हुआ था। ऐसा ही रास्ता था कुछ, भाजी जिथे सिद्धू मूसल असैसिनेट हो कितने आ? इस पास आ भाजी। किन्ना है कितों की? कि दूर है इधरों? अच्छा अगले मोड़। ओके ओके थैंक यू। यही लग रहा है, आही है मंदिर भी यार। देखो आही है, आही जगह है, यही जगह है। और देखो आ मंदिर भी है, ये जगह ये जहाँ लास्ट टाइम मुझसे ले पाजी थे अपनी थार में। ये जगह है जी जहाँ पे असैसिनेट हुआ सिद्धू मूसेवाले के, उसी जगह पे हम पहुँच गए। यहीं कहीं पे होगी उनकी गाड़ी उस टाइम, वो सामने गोलियों के निशान। ये देखो एक दो तीन चार पाँच छः, हाँ ये जगह है, ये एग्जैक्ट जगह है मार कर रखी है, जहाँ पे थार लास्ट टाइम हुई थी फायरिंग थार पे, ये वाली जगह। उनके घर से ज़्यादा नहीं, 3-4 किलोमीटर हार्डली की दूरी पे है। सामने मंदिर है, मंदिर की दीवार पे भी गोलियां लगी हैं। गाने भी लगे हुए सिद्धू मूसेवाले के, बूट का कम हो गया। ये देखो जी, ये यहाँ पे है गोलियां लगी है। देखो एक दो शुभदीप सिंह तू मूसेवाला। ये सामने मंदिर भी है, ये मंदिर है, ये मंदिर है यहाँ पे, और वहाँ पे लास्ट टाइम थार को गोलियां लगी थी।
काफ़ी चल रही है रोड, ये वाली काफ़ी बिजी रोड है। हाँ किड्डे ये मंदिर है यहाँ पे, यहाँ पे थोड़े बहुत घर भी हैं, इन्हीं घरों में से लोग आए होंगे उस टाइम पे। यहाँ पे देखो पीछे पिंड है पूरा, ज्वारका पिंड का नाम है शायद, ये पिंड है जी पूरा। और यहाँ पे लोगों ने लंगर भी लगा रखा है चाय पानी का। यहाँ पे मंदिर है, इस दीवार पे गोलियाँ लगी है और यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे अभी बन रहा है ये मंदिर। इस साइड पे सामने मंदिर है, यहाँ घंटी लगी, यहाँ मंदिर की, ये भी मंदिर का एरिया ही है, सामने भी मंदिर है। और ये दीवार है, दीवार की दूसरी साइड है ये। और ये जो आप देख सकते हो यहाँ तक, ये बाद में हुआ शायद पेंट वगैरह, ये दीवार की साइड है और दूसरी साइड पे लगी गोलियाँ। ये देखो कितना कितना निशान है गोलियों के बड़े। ये मंदिर है सामने, यहाँ पे दुकान भी है एक दो, ये दुकानें हैं यहाँ पर साइकिल वगैरह की। यहाँ सामने मंदिर है, कंध पे भी लगी है, वो ब्राउन गेट सामने ग्लास है, वो सामने ब्राउन गेट थे। हाँ ये जो टर्न है जहाँ पे ये सारा हुआ था कांड, इसके बिल्कुल सामने ये देखो उत्तरवाज, ये ब्राउन गेट पे, यहाँ पे भी गोलियाँ लगी हैं। यहाँ पे भी गोलियाँ लगी हुई हैं गेट पे भी पूरा, वो देखो आर पार ही होगा गेट, तो आर पार ही होगा गेट, आ रोड है ये रोड है, यही टर्न है वो, इधर से थार गई ये मंदिर, यहाँ से आगे जाके वहाँ पे फायरिंग हुई। वैसे पीछे से ही फायरिंग करते आ रहे थे वो, तभी यहाँ पे भी बची गोलियाँ, पर जब यहाँ पर टर्न किया तो वहाँ पे उन्होंने थार, वो कार च, पिछली गली गड्डी दोनों पासों गड्डियां आ रही हैं, दोनों पास नहीं आ रही। अच्छा बलैरो पिछे निकल के, फिर बलैरो निकल के बंदे ने अटैक किया, ओवरटेक करके, हाँ ओवरटेक करके, वैसे बलैरो से ओवरटेक करके जाके ना जिसे मुंडे खड़े, वो खंभे को खड़ गए, उसे निकल के फिर उसी निकाल गया, उसे तो फायरिंग की भाई करोला ने गड्डी पंक्चर करके, तो गड्डी उसे रोकती सी, ये ब्रेस्ट हुए मारे वो बजे ब्रेस्ट हुए, हाँ इतने बड़े लौंक हो गए जी। इधरली साइड कोई कैमरा नहीं सी ना, नहीं तो इधरों सारा देख के आंदा, इधर कैमरा से आधा कैप्चर हो गया कैमरा। हाँ निशान बिजी दे रोड, कि बिजी उस दिन कहते रोड खाली थी सारी, रोड खाली थी उस दिन सारी, आज जैसा दिन नहीं रहा पर गर्मी, किसी नु थोड़ा पता था कि इतना भी ऐसा हो जाएगा, वही था वही बात है। अगला तो अपने घर काम जा रहा थी, किसी कोई वाहेगुरु ये मंदिर बन रहा है अभी, इस मंदिर की दूसरी दीवार पे ही है ये देखो, इस साइड से ये देखो गोली के निशान और भी है क्या कहते, ये देखो इधर से अभी एंट्री है मंदिर की, ये साइड बन रही है, ये दीवार है, दीवार की दूसरी साइड पे गोलियां बजी हैं, और इस साइड पे देखो यहाँ पे बजी थी गोलियां, ये देखो शुभदेव सिद्धू मूसेवाला 11/6/1993 तो 29/5/2022।
वहाँ पे एग्जैक्टली उस जगह पे असैसिनेट हुआ था। और ये पिंड के लोग ही देखो कितनी बिजी रोड है, कितना चलती है रोड, और उस टाइम पे सारी खाली थी रोड। हेलो हेलो हेलो, कपड़े भी चेंज हो गए, लोकेशन भी चेंज हो गई। चक्कर ये है ना, पहले लाइट ऑन कर दूँगी वाली भी। चक्कर ये है ना कि मैं आज शूट कर रहा हूँ ये वीडियो, संडे को हमने शूट की थी, संडे को हम गए थे मूसा पिंड, और आज है फ्राइडे, मतलब 4-5 दिन बाद मैं एक क्लिप शूट कर रहा हूँ। चक्कर ये हो गया था कि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मिक्स फीलिंग आ रही थी, बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट्स हो गए थे, बहुत एक इमोशनल ब्रेकडाउन अंदर से। मतलब ऐसा नहीं हो जाता कि मतलब कई बार ऐसा होता कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा भारी हो गया, मतलब आप बहुत ज़्यादा नम फील कर रहे हो, बट आँखों में आंसू नहीं आ रहे, और माइंड एकदम मतलब ऐसा हो गया कि आप किसी से बात भी नहीं करना चाहते, वैसा वाला सीन हो गया था मेरा किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा था। उसके बाद हम गाड़ी लेकर रास्ते में 2-3 जगह रुके, फिर हमने इवन कि जो लंच है वो भी किया हमने, शाम को 5 बजे किया वापस आते टाइम, और मुझे जलंधर आते आते रात के 8 बज गए, पर मैं फिर भी मैंने कहीं पे कुछ भी शूट नहीं किया, कहीं पे कुछ भी नहीं शूट किया। कैसी ऐसी मोमेंट्स थी, मैं कहीं पर शूट कर सकता था, पर मेरा उसके बाद बिल्कुल माइंड नहीं किया शूट करने का। आज मैं ये वाली वीडियो एडिट कर रहा हूँ, इसलिए मैं 4 दिन बाद इसको एंड कर रहा हूँ। इससे पहले आपने दो क्लिप्स सॉरी इससे पहले आपने दो व्लॉग्स ऑलरेडी देख लिए होंगे, एक सिद्धू मूसेवाला जी के स्टैचू का और दूसरा सिद्धू मूसेवाला जी की हवेली का, और ये तीसरा व्लॉग जो आपने देखा जहाँ पे असैसिनेट हुआ था सिद्धू मूसेवाला जी का। तो बहुत बहुत ज़्यादा मिक्स फीलिंग थी, सबसे ज़्यादा मेरा दिमाग ना तब एकदम ज़्यादा नंब हो गया, एकदम बहुत इमोशनल हो गया था सीन जब मैंने मूसेवाला जी के फादर साहब को देखा उनकी हवेली में जब वो आए। उनकी हिम्मत है यार, उनकी ना हिम्मत है, सीरियसली बता रहा हूँ, एक इतनी करेज है उस शख्स में उनमें। अभी भी मैं 5 दिन बाद बात कर रहा हूँ, फिर भी मेरे दिमाग में वही चीज़ें घूम रही हैं। जो दोस्त मेरे साथ गए थे मैं उनसे भी बात कर रहा था कि कैसे वही चीज़ें दिमाग में बार बार घूम ही जा रही हैं। खैर, वाहेगुरु सब पे मेहर करे, और यही है। तो ठीक है, फिर मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ, क्योंकि आज मुझे तीसरी जो क्लिप पे एडिट कर रहा हूँ इसलिए मुझे व्लॉग को एंड करना था। तो आज मैं घर पे आ चुका हूँ, इससे जो नेक्स्ट व्लॉग है वो आपको मिलेगा जलंधर टू डेरा ब्यास। हम होकर आए हैं बाय ट्रेन, डेरा ब्यास रेलवे स्टेशन आपको दिखाऊंगा, उसमें आपको ट्रेन जर्नी देखने को मिलेगी, डेरा ब्यास का रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा। डेरा ब्यास का रेलवे स्टेशन वन ऑफ द मोस्ट क्लीनिएस्ट रेलवे स्टेशन है इंडिया का। तो ठीक है, वीडियो में इस तरह जुड़े रहिएगा, आगे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आएंगी। तो इस वाली वीडियो के तो इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू यहाँ पर आने के लिए और चैनल को देखने के लिए। अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने रहे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संपूर्ण शबा खैर।